कबीर खान और सोहेल खान के बीच क्यों हुई बहस? क्या सोहेल खान ने दी सफाई? सोहेल खान क्यों करना चाहते हैं शेर खान को प्रोड्यूस? जिस साल सोहेल खान ने शेर खान मूवी के बारे में बताया था कि वो शेर खान मूवी को लेकर आ रहे हैं, ठीक उसी साल मूवी के डायरेक्टर कबीर खान ने भी ये अनाउंसमेंट कराई थी कि वो उसी डेट को एक था टाइगर रिलीज करेंगे। अब रिलीज डेट और फिल्म के नाम की वजह से दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। सोहेल खान ने बोल दिया था चाहे जो हो जाए वो शेर खान फिल्म का नाम चेंज नहीं करेंगे और ना ही रिलीज डेट। जब एक इंटरव्यू में वही सवाल कबीर खान से पूछा गया तो उन्होंने भी वही कहा कि मेरी फिल्म भी उसी दिन आएगी, वो भी एक था टाइगर के नाम से ही। बाकी अगर सोहेल चाहते हैं तो वो अपनी फिल्म का नाम और डेट चेंज कर सकते हैं। फाइनली एक था टाइगर तो अपने वक्त में रिलीज हो गई, लेकिन शेर खान नहीं आ पाई, इसलिए अब सभी को शेर खान फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार है। अगर सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के करियर के बारे में बात की जाए तो सभी जानते हैं कि सोहेल खान का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं है। वो बतौर एक्टर काफी दूर जा चुके हैं बॉलीवुड की दुनिया से, लेकिन अब सोहेल खान को समझ आ गया है कि बॉलीवुड की दुनिया में नाम रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक्टर ही बने रहो। इसलिए वो अपना नाम बनाए रखने के लिए आखिरी उम्मीद के लिए शेर खान फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोहेल की शेर खान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी है क्योंकि वो 100% कॉन्फिडेंट है फिल्म की कहानी को लेकर। सोहेल कॉन्फिडेंट है कि शेर खान लोगों को पसंद आएगी और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। शेर खान फिल्म के प्रोड्यूसर सोहेल खान एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, वो भी सलमान खान के ऊपर, और ये दांव 500 करोड़ का है। सोहेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि शेर खान है। सोहेल खान ने फिल्म के बारे में ये भी बताया था कि फिल्म साल 2021 में ही रिलीज हो जाती, लेकिन फिल्म में कई सारे सीन्स को बदलने की और कोरोना की वजह से फिल्म को बनाने में दिक्कतें आ रही थी, जिस वजह से फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म को साल 2023 में ही रिलीज करें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।